अब देश में बदल जाएगा पढ़ाई का सिस्टम, शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आएगी, शिक्षक बनना अब आसान नहीं होगा, स्कूल कॉलेज के पढ़ाई के सिस्टम में भारी बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को केंद्र सरकार के कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस पॉलिसी के लागू होने से क्या क्या बदलने वाला है और इस पॉलिसी में मुख्य बातें क्या है, मैं विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल MA क्लासेस। वीडियो को आगे देखने के पहले आप इसे लाइक कर दें और वीडियो के अंत में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने से क्या क्या बदलने वाला है, पढ़ाई के सिस्टम में क्या बदलाव होगा। सबसे पहले मैं हायर एजुकेशन की बात करूंगा कि हायर एजुकेशन में क्या बदलाव होने वाला है, उसके बाद मैं स्कूल एजुकेशन के बारे में भी विस्तृत जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हायर एजुकेशन में मेजर रिफॉर्म्स, हायर एजुकेशन में क्या बदलाव होने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं UG प्रोग्राम के बारे में, बैचलर डिग्री के बारे में। बैचलर डिग्री जो है वो 3 ईयर्स का होगा जो गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं, पहले भी 3 ईयर्स का था, लेकिन इसमें बदलाव क्या होने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट किसी कारण से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं और अगर 1 साल का वो पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं तो उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 ईयर्स का कंप्लीट करने के बाद डिप्लोमा मिल जाएगा और 3 ईयर्स का करने के बाद बैचलर डिग्री मिलेगा। पहले कंप्लीट 3 ईयर्स का करने के बाद ही वो बैचलर डिग्री मिलता था, अब यहाँ पर 1 साल, 2 साल और 3 साल में सर्टिफिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। एक 4 ईयर्स का बैचलर डिग्री प्रोग्राम होगा वैसे स्टूडेंट के लिए जो रिसर्च में जाना चाहते हैं। 4 ईयर्स को कंप्लीट करने के बाद वो डायरेक्ट PhD में इनरोल कर सकते हैं। MPhil को बंद किया जा रहा है, MPhil टू बी डिसकंटिन्यूड। लेकिन कुछ खास कोर्सेज जैसे टीचर एजुकेशन, मेडिसिन, लॉ, इंजीनियरिंग, ये सब जो कोर्सेज है वो 4 या 4 से अधिक ईयर्स का होगा। आगे हम लोग देखते हैं PG प्रोग्राम में क्या बदलाव होने वाला है। PG प्रोग्राम अब 3 तरह का होगा। एक 2 ईयर्स का PG प्रोग्राम होगा, ये वैसे स्टूडेंट के लिए होगा जो 3 ईयर्स का UG प्रोग्राम ऑलरेडी कम्प्लीट कर चुके हैं। एक 1 ईयर का होगा, ये वैसे स्टूडेंट के लिए होगा जो 4 ईयर्स का UG प्रोग्राम किए हैं। और एक 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा जिसमें से बैचलर और मास्टर डिग्री दोनों होगा, UG और PG प्रोग्राम दोनों 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। यहाँ पर और क्या बदलाव होने वाला है, क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि सेविंग अकाउंट में आप जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसी तरीके से आपका एक डिजिटल लॉकर तैयार होगा जिसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होगा और वो जो कोर्सेज जो होगा, जो डिग्री होगा, वहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। अंडरटेकिंग ये PhD सेल रिक्वायर आदर ये मास्टर डिग्री और ये 4 ईयर्स बैचलर डिग्री विथ रिसर्च। अगर कोई PhD करना चाहते हैं, इनरोल करना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, कोई भी एक मास्टर डिग्री, जो यहाँ पर ऊपर में 3 तरह का मास्टर डिग्री है, तो कोई भी एक मास्टर डिग्री या फिर 4 ईयर्स का बैचलर डिग्री विथ रिसर्च के बाद भी डायरेक्ट PhD में इनरोल कर सकते हैं। आगे देखते हैं हायर एजुकेशन करिकुलम टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। हायर एजुकेशन में आपको सब्जेक्ट चूज करने की स्वतंत्रता होगी। आप चाहें तो फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी रख सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स है। एक हो सकता है बाद में एक गाइडलाइन जारी किया जाए, एक पूल तैयार किया जाए सब्जेक्ट का, और उस पूल में जो जो सब्जेक्ट है आप कोई भी चूज कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मल्टीपल एंट्री एग्जिट टू बी अलाउड विथ अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए आप 1 साल का कोर्स किए हैं बैचलर डिग्री और उसके बाद आपकी पढ़ाई किसी कारण से छूट जाती है, तो आप फिर बाद में कुछ सर्टन टाइम पीरियड के बाद आप फिर उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट, आप एक बार एंट्री लिए हैं फिर एग्जिट कर सकते हैं, फिर आप एंट्री ले सकते हैं किसी भी कोर्स में। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बी एस्टैब्लिश टू फोस्टर ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर। गवर्नमेंट जो है वो रिसर्च पर अब ज़्यादा फोकस कर रही है, इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्थापित किया जाएगा जो रिसर्च को प्रोत्साहित करेगी। आगे लाइट बट टाइट रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन, सिंगल रेगुलेटर विथ 4 सेपरेट वर्टिकल्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस। अब यहाँ पर जो अलग अलग UGC या फिर NCERT, ये जो अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज था उसको मिला करके सभी को एक रेगुलेटरी बॉडीज किया जाएगा हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए। और इसके 4 वर्टिकल्स होंगे, कौन कौन से वर्टिकल्स होंगे इसको हम लोग देखते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडीज यहाँ पर बनाया जाएगा।
HECI और ये मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ करके रेगुलेटरी बॉडीज होगा, मेडिकल के लिए और लीगल एजुकेशन के लिए अलग रेगुलेटरी बॉडीज होगा। ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के चार पार्ट होंगे। इसमें सबसे पहला होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC फॉर रेगुलेशन। ये रेगुलेशन के लिए, नियंत्रण के लिए काम करेगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक फर्स्ट पार्ट होगा। और दूसरा होगा जनरल एजुकेशन काउंसिल फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग। ये स्टैंडर्ड सेटिंग करेगा जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC। और फिर एक होगा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HEGC। ये फंडिंग के लिए होगा, ये ग्रांट करेगा फंड। और एक होगा नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल फॉर एक्रेडिशन। ये मान्यता देगी कुछ शिक्षण संस्थानों को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मान्यता देने के लिए नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल बनाया जाएगा। नेक्स्ट है NTA टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। NTA क्या है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल ऑफर ये हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एज वेल एज स्पेशलाइज्ड कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम इन द साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स एट लीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। अभी क्या सिस्टम है, अगर आप 12 पास करते हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। लेकिन अब इसमें बदलाव होने वाला है, आपको 12 के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपको देना पड़ेगा। वहाँ के स्कोर के आधार पर कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं उसके स्कोर के आधार पर। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, वो चाहे तो एडमिशन के लिए अपना एंट्रेंस एग्जाम ले सकती है। आगे है HRD मिनिस्ट्री टू बी रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब HRD मिनिस्ट्री का नया नाम होगा सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय होगा। नेक्स्ट है IIT टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। IIT जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर IIT में कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और अगर उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वहाँ पर म्यूजिक का भी कोर्स अवेलेबल होगा, म्यूजिक भी वहाँ से सीख सकते हैं। अब इसका किस तरीके से होगा इसके बारे में समझिए। स्टूडेंट्स में चूज एन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन कॉल्ड देयर मेजर एंड ऑप्शनली एन एरिया ऑफ एडिशनल स्टडी कॉल्ड देयर माइनर और दे में चूज डबल मेजर। अगर कोई एक मेजर कोर्स वहां पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, जैसे अगर IIT से इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वो एक मेजर कोर्स हो गया, और अगर उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वहां से म्यूजिक कर सकते हो, वो माइनर कोर्स हो गया। ये किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ होगा। अब सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, वहाँ पर डबल मेजर कोर्स भी लिया जा सकता है। टीचर एजुकेशन में क्या बदला हुआ है, टीचर एजुकेशन में एक 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड BEd कोर्स होगा, जिसमें से बैचलर और BEd दोनों मिलाकर के एक 4 ईयर्स का प्रोग्राम बनाया गया है। एक होगा 2 ईयर्स का प्रोग्राम BEd कोर्स, और ये 2 ईयर्स वैसे स्टूडेंट के लिए होगा जो 3 ईयर्स का बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर चुके हैं, उसके लिए 2 ईयर्स का BEd कोर्स होगा। और एक होगा 1 ईयर का BEd कोर्स वैसे स्टूडेंट जो 4 ईयर्स का UG प्रोग्राम कर चुके हैं या फिर PG प्रोग्राम कर चुके हैं, उसके लिए सिर्फ 1 ईयर का BEd कोर्स होगा। अब टीचर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा इसके बारे में देखिए। द TET विल बी द फर्स्ट स्क्रीनिंग फॉर रिक्रूटमेंट। टीचर के भर्ती के लिए आपको TET क्वालिफाई करना पड़ेगा, एक फर्स्ट स्क्रीनिंग होगा। इसके अलावा भी एक स्क्रीनिंग होगा जो मैं बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले तो TET क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक बदलाव है। द TET विल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू कवर टीचर अक्रॉस ऑल स्टेजेज, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब किसी भी लेवल का आपको टीचर बनना है, चाहे वो फाउंडेशनल हो, प्रिपरेटरी हो, मिडिल हो या फिर सेकेंडरी, आपको TET क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें एक और बदलाव हुआ है कि इन एडिशन फॉर सब्जेक्ट टीचर्स NTA टेस्ट स्कोर इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विल ऑल्सो बी फैक्टर्ड सुटेबली इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। टीचर भर्ती के लिए, शिक्षक में भर्ती के लिए आप जो 12 के बाद NTA दीजिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो स्कोर मिलेगा आपको, वो स्कोर आपको TET में इंक्लूड कर दिया जाएगा, उसको जोड़ करके देखा जाएगा। लेकिन वो वैसे टीचर के लिए जो सब्जेक्ट टीचर बनेंगे, जैसे सेकेंडरी लेवल पर अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं, तो वहाँ पर आपको NTA का जो स्कोर है वो TET के स्कोर के साथ ऐड कर दिया जाएगा। और इसमें बदलाव क्या है, एक सेकेंड स्क्रीनिंग होगा फॉर एस्पायरिंग टीचर्स विल बी इंस्टीट्यूटेड दैट वुड इन्वॉल्व एंड
इंटरव्यू एंड ये शॉर्ट 5 to 7 मिनट्स टीचिंग डेमोंस्ट्रेशन। यहाँ पर अब टीचिंग में टीचर के लिए एक इंटरव्यू भी देना पड़ेगा और साथ में इंटरव्यू के अलावा 5 to 7 मिनट्स का एक टीचिंग डेमोंस्ट्रेशन भी देना पड़ेगा। दिस सेकेंड स्क्रीनिंग वुड टेक प्लेस एट लोकल BRC, ये BRC लेवल पर होगा, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पर होगा। यहाँ पर आपको इंटरव्यू फेस करना है और 5 to 7 मिनट्स का टीचिंग डेमोंस्ट्रेशन देना है। व्हेन दैट इज नॉट पॉसिबल, अगर ये BRC लेवल पर पॉसिबल नहीं है तो वाया वे फोन कॉल से भी आप दे सकते हैं। एंड ये डेमोंस्ट्रेशन वीडियो सेंड इलेक्ट्रॉनिकली, और एक आप डेमोंस्ट्रेशन वीडियो बना करके आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको सेंड कर सकते हैं। तो ये एक भारी बदलाव हुआ है टीचर रिक्रूटमेंट में। यहाँ पर अब एक इंटरव्यू भी होगा और साथ में एक डेमोंस्ट्रेशन भी देना पड़ेगा, टीचिंग डेमोंस्ट्रेशन भी 5 to 7 मिनट्स का। अब हम लोग देखते हैं मेजर रिफॉर्म्स स्कूल एजुकेशन में क्या बदलाव होने वाला है। अभी हम लोग जानते हैं कि 10+2 सिस्टम है स्कूल एजुकेशन के लिए, लेकिन इसमें बदलाव होकर के वो 5+3+3+4 पैटर्न पर होने वाला है, यानी कि ये 15 साल का कोर्स होगा स्कूल एजुकेशन का, जो 12 ईयर्स स्कूल के लिए और 3 ईयर्स जो है वो आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग होगा। इसको आप यहाँ से समझिए, सबसे पहले एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर देखिए। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ये था, जो 10 ईयर्स का था कोर्स वो मैट्रिक लेवल का एज 6 to 16 के लिए, और 2 ईयर्स जो 11th और 12th होता था एज 16 to 18 ईयर्स के लिए। तो ये 10+2 सिस्टम अभी चल रहा था, इसमें भारी बदलाव होने वाला है। अब इसमें बदलाव होकर के ये हो जाएगा 5+3+3+4। इसमें देखिए, समझिए इसको कैसे होगा। ये सबसे पहले जो 5 ईयर्स है इसको दो पार्ट में रखा गया है, एक 3 ईयर्स का कोर्स होगा जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होगा, और एक 2 साल का कोर्स होगा जो 6 से 8 वर्ष साल के बच्चों के लिए होगा। पहला जो 3 ईयर्स का जो कोर्स होगा वो आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग होगा, और जो 2 साल का होगा वो क्लास 1 और क्लास 2 होगा, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 कहलाएगा। ये कहलाएगा फाउंडेशन कोर्स, बुनियादी अवस्था होगा। इस बुनियादी अवस्था में खेल आधारित या गतिविधि आधारित या खुद खोजने और सीखने से आधारित शिक्षण प्रणाली होगी, उससे शिक्षा दी जाएगी। अब इसके बाद होगा 3 ईयर्स का प्रोग्राम जो 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होगा, इसमें क्लास 3 से क्लास 5 तक की पढ़ाई होगी, जिसको कहेंगे प्राथमिक अवस्था, प्रिपरेटरी लेवल, और इसमें से बुनियादी अवस्था से आगे बढ़ते हुए पाठ्य पुस्तक से भी शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद 3 ईयर्स का प्रोग्राम हो गया 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, जो क्लास 6 से क्लास 8 तक की पढ़ाई होगी, इसमें से विषय वस्तु पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, विषय से संबंधित ज्ञान दिया जाएगा। ये मिडिल अवस्था होगी, मध्य अवस्था होगी, और उसके बाद एक 4 साल का प्रोग्राम होगा जो 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होगा, और ये क्लास 9 से क्लास 12 तक होगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक अवस्था, और इसमें से 9वीं से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई होगी, जिस पर विषय आधारित ज्ञान दिया जाएगा और विषय पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, पाठ्य पुस्तकों से औपचारिक शिक्षा दी जाएगी। अब स्कूल एजुकेशन में जो भारी बदलाव देखने को मिलेगा वो है सेकेंडरी लेवल पर। सेकेंडरी लेवल जो है वो 4 ईयर्स का कोर्स होगा 9 to 12, जिसमें से मिडिल सेक्शन में जो बच्चे विषय आधारित ज्ञान प्राप्त किए हैं यहाँ पर गहराई से उस विषय की शिक्षा दी जाएगी, और ये जो 4 साल का कोर्स है उसको 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया जाएगा, प्रत्येक साल 2-2 सेमेस्टर का होगा, और स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी होगी सब्जेक्ट चूज करने का। कुछ कॉमन सब्जेक्ट होगा जो सारे स्टूडेंट के लिए होगा, स्ट्रीम को समाप्त किया जाएगा, स्ट्रीम अब नहीं होगा साइंस आर्ट्स और कॉमर्स जिस तरीके से 11-12 में होते थे उस तरीके से नहीं होंगे, लेकिन बाद में हो सकता है कुछ गाइडलाइन जारी किया जाए और वहाँ पर एक सब्जेक्ट का पूल बनाया जाएगा, उस पूल में से सब्जेक्ट को चूज करना होगा, लेकिन कुछ कॉमन सब्जेक्ट सारे स्टूडेंट को चूज करना पड़ेगा। साथ में जो एग्ज़ाम होगा अब ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का एग्ज़ाम होगा। द नोशन ऑफ हायर सेकेंडरी और जूनियर कॉलेज विल बी एलिमिनेटेड, ग्रेड्स 11 and 12 बी कंसिडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टेज। अब जो हायर सेकेंडरी या जूनियर कॉलेज होता था उसको ख़त्म किया जाएगा और 11th और 12th जो है वो सेकेंडरी स्टेज का ही एक पार्ट बनाया जाएगा। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कारण एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बदलाव होगा।
आगे भी अगर इस सिस्टम में कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।